अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा ड्राइंग का थर्ड लेक्चर है, बुक पेज नंबर 10 to 14। फर्स्ट पेज पर आपको दिया गया है अ बटरफ्लाई, नेक्स्ट पर अ टेबल क्लॉक, नेक्स्ट वन है अ कप एंड सॉसर, नेक्स्ट अ टी पॉट एंड लास्ट वन है अ पिक्चर। Now open your book. This is your book page number 10. यहाँ पर आपको अ बटरफ्लाई दिखाई गई है जिसे आपने ड्रॉ करना है, उसके बाद आपने उसमें कलर करने हैं। लेफ्ट साइड पर आपको यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिखाए गए हैं जिन्हें फॉलो करते हुए आपने बटरफ्लाई ड्रॉ करनी है। अब हम इन स्टेप्स को देखते हैं। अब हमारा फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, देन आपने एक क्रॉस ड्रॉ करना है। देखिए आपने क्रॉस लगाया, एक ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। अब आपने अपने क्रॉस के दोनों ऊपर वाले लाइंस पर एक एक ओवल ड्रॉ करना है। ये देखिए आपने इस लाइन पर इस तरह से यहाँ ओवल ड्रॉ किया, उसके बाद आपने इस लाइन पर यहाँ ओवल ड्रॉ किया, और इसके बाद आपने जो क्रॉस की नीचे वाली दोनों लाइन थी ये दोनों, इस पर आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक इस तरफ और एक इस साइड पर आपने सर्कल ड्रॉ किया। यहाँ से ओवल इरेज कर दिया क्योंकि यहाँ पर सर्कल की लाइन आ रही है, और इस तरफ से भी आपने ओवल नीचे से थोड़ा सा इरेज कर देना है क्योंकि आपने यहाँ सर्कल ड्रॉ किया है। सर्कल की लाइन नज़र आनी चाहिए, ओवल की लाइन नज़र नहीं आनी चाहिए। हमारा फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट हो गया है, अब हमने अपने सेकंड स्टेप में देखना है। इस स्टेप में आपने जो इसके विंग्स कंप्लीट किए थे उसमें आपने डिज़ाइनिंग करनी है। आप कोई भी शेप बना सकते हैं, यहाँ पर आपको जिगजैग शेप, कुछ इस तरह की शेप दिखाई गई है, आपने इसके अंदर डिज़ाइनिंग करनी है। देखें विंग्स में बिल्कुल इसी तरह, उसके बाद आपने यहाँ एक ओवल बनाना है, इसी क्रॉस की एक लाइन पर एक और ओवल सेंटर में आपने ड्रॉ किया। इसी तरह इस वाली लाइन में भी आपने ऊपर क्रॉस वाली लाइन के ऊपर ही एक ओवल ड्रॉ किया हुआ है। अब हमारे विंग्स कंप्लीट हो गए हैं, अब हम इसका बॉडी पार्ट सेंटर से बॉडी ड्रॉ करते हैं। यहाँ आपने दोनों विंग्स के सेंटर में जहाँ क्रॉस का पॉइंट है आपने एक ओवल बनाना है, फिर देन आपने उसके ऊपर ही एक और थोड़ा छोटा ओवल बनाना है। ये दोनों ओवल आपने लंबाई की शेप में बनाने हैं। थर्ड ओवल आपने चौड़ाई की शेप में बनाया इस तरह से, आपकी बटरफ्लाई यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। सेकंड स्टेप हमारा मुकम्मल हो गया है, अब हम अपना थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप में आप देख रहे हैं कि आपके विंग्स और बॉडी सेकंड स्टेप में ही कंप्लीट हो गई थी, थर्ड स्टेप में आपने सिर्फ उसके आपने एंटीना की शेप में दो लाइंस उसके हेड के ऊपर बनानी है। ये देखिए आपने एक स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट में बनाई है, आपने एक स्ट्रेट लाइन छोटी सी, और एक आपने उसके राइट में बनाई है इस तरह से। अब आपने उन दोनों लाइंस के एंडिंग पॉइंट पे छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है। ये देखिए आपकी बिल्कुल एंटीना की शेप बन गई, इसका हेड भी कम्प्लीट हो गया है। थर्ड स्टेप में हमारी बटरफ्लाई कम्प्लीट हो चुकी है। राइट साइड पर आपको स्पेस दी गई है, यहाँ आपने इसको ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ बटरफ्लाई ड्रॉ करनी है। बटरफ्लाई ड्रॉ करने के बाद आपने जो सेंटर लाइन ड्रॉ की थी और जो क्रॉस बनाया था उसे आपने इरेज कर देना है। आपने सेंटर लाइन और क्रॉस बहुत लाइट पेंसिल से ड्रॉ करना है ताकि बाद में जब आप इरेज करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आपकी बटरफ्लाई कंप्लीट हो जाएगी बिल्कुल इस तरह जैसे यहाँ आपको दिखाई गई है, उसके बाद आपने इसमें कलर्स करने हैं। पेज नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। नाउ टर्न योर बुक पेज, दिस इज योर बुक पेज नंबर 11। यहाँ पर आपको ड्रॉ एंड कलर अ टेबल क्लॉक, एक टेबल क्लॉक दी गई है जिसे आपने ड्रॉ करना है और कलर करने हैं।
यहाँ आपको टेबल क्लॉक ड्रॉ करने के लिए 3 स्टेप्स दिए गए हैं जिन्हें हमने फॉलो करना है। टेबल क्लॉक ड्रॉ करने के लिए अब हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपने एक हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, और एक आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। उसके बाद आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह से यहाँ पर, और एक सर्कल थोड़े ही स्पेस पे आपने उसके अंदर भी ड्रॉ करना है यहाँ इस तरह से। फिर आपका जो सेंटर पॉइंट आया था वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन का, उससे आपने एक लेफ्ट साइड पर ऊपर वाली साइड पर लेफ्ट साइड पर यहाँ पर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये देखें, और एक राइट साइड पर आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपकी देख रहे हैं वी शेप में बन गया है। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। सेकेंड स्टेप में आप देखें स्टूडेंट्स, वी शेप में जो ये लेफ्ट साइड पे आपने एक लाइन बनाई थी, अब आपने इसके ऊपर एक ओवल की शेप लाइक डी शेप में आपने एक यहाँ पर डी बनानी है इस तरह से, और एक राइट साइड पे भी आपने डी बनाना है इस तरह से। आपके दोनों ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपने सेंटर वाली लाइन जो आपकी थी वर्टिकल लाइन पर आपने दो लाइंस ड्रॉ करनी है यहाँ पर, ये देखें, एक इस तरह से हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करनी है आपने, और एक उसी के नीचे आपने इस तरह से यहाँ पर भी ड्रॉ करनी है। उनको साइड से आप थोड़ा सा कर्व शेप में नीचे ले आएं, इस साइड से भी और नीचे वाली को भी, और इसी तरह आप इस साइड से भी राइट साइड से भी इसको कर्व शेप में थोड़ा सा नीचे ले आएं, सर्कल तक आप इसको कर दें। अब आपके नीचे आप देखें यहाँ पर, अब आपने क्लॉक की लेग्स ड्रॉ करनी है। उसके लिए आप ये देखें, आपके पास जो वर्टिकल लाइन थी उसके आपने नीचे वाली साइड पर, ये दोनों नीचे वाली साइड्स पर आपने पहले लेफ्ट साइड पर आपने तिरछी छोटी छोटी सी दो लाइंस ड्रॉ करनी है जैसे यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद आपने उसको नीचे से राउंड शेप में कर देना है ज्वाइन। इसी तरह आपने इस साइड पे भी दो लाइंस ड्रॉ करनी है छोटी सी, और नीचे से उनको राउंड शेप में आपस में ज्वाइन कर देना है। ये देखें, यहाँ लेग्स कंप्लीट हो गई है। सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप में आपने सेंटर में उसके नंबरिंग करनी है। ये देखिए, फर्स्ट स्टेप में आपने जो सेंटर में सर्कल बनाया था आपने बिल्कुल उसके साथ यहाँ एक छोटा सा सर्कल बनाया, यहाँ पर भी, यहाँ और यहाँ। ये आपके नंबर्स को शो कर रहे हैं लाइक 12, 3, 6 एंड 9। अब आपने जो आपका सेंटर पॉइंट था यहाँ पर सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ किया है, और फिर आपने सेंटर पॉइंट से क्लॉक के दो हैंड ड्रॉ किए हैं जो कि एक बड़ा है और एक छोटा है। बड़ा आपको पता है मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है, और छोटा आवर्स को रिप्रेजेंट करता है। आपने ये हैंड भी कंप्लीट हो गए। मिनट्स वाला हैंड जो आपका है यहाँ पर, ये देखिए, आपने दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए और ऊपर से राउंड शेप में इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। इसी तरह आपने आवर्स वाले में भी दो लाइंस ड्रॉ करनी है इस तरह से छोटी, और राउंड शेप में उन दोनों को ऊपर से ज्वाइन कर दिया। यहाँ आपकी क्लॉक कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट। राइट साइड पर आपको स्टूडेंट स्पेस दी गई है जहाँ आपने क्लॉक को ड्रॉ करना है। क्लॉक आपकी बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए जैसे यहाँ ऊपर आपको दिखाई गई है। पेज नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12, ड्रॉ इन कलर अ कप एंड सॉसर। यहाँ कप ड्रॉ करने के लिए आपको 3 स्टेप्स दिए गए हैं जिन्हें अब हमने फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स, आपने वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इस लाइन के एंड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर आपने एक यहाँ पर ओवल ड्रॉ करना है इस तरह से। उसके बाद आपने थोड़ी स्पेस छोड़कर ओवल से ऊपर
एक और छोटा सा ओवल आपने ड्रॉ करना है, थोड़ा छोटा, नीचे वाली ओवल से थोड़ा सा छोटा ओवल आपने ऊपर ड्रॉ किया, और ऊपर भी आपके पास लाइन जहाँ से जहाँ एंड हो रही है थोड़ा सा ऊपर लाइन रह गई है, थोड़ा सा लाइन से नीचे आपने ओवल ड्रॉ किया, जैसे आपने नीचे वाला ओवल ड्रॉ किया था इसी तरह आपने ऊपर वाला ओवल ड्रॉ किया। उसके बाद आपने सेंटर में उस ओवल के कर्व शेप में इस तरह से लाइन ड्रॉ की। अब आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। सेकंड स्टेप में आप देखें, आपने सबसे पहले इस लाइन पे जो आपको वर्टिकली लाइन ड्रॉ की थी एक सेंटर पॉइंट बनाना है, यहाँ ओवल के सेंटर से जिस तरह यहाँ पर बताया गया ये वाला पॉइंट। उसके बाद आपने ऊपर वाले ओवल से एक कर्व शेप में लाइन ड्रॉ करते हुए इस पॉइंट तक लानी है जहाँ आपने पॉइंट बनाया था। इसी तरह आपने दूसरी साइड से भी लाइन ड्रॉ करते हुए कर्व शेप में इस पॉइंट तक लानी है, लाइक आपका जैसे हाफ ओवल शेप, ये हाफ ओवल है आपका, बन गया आपका, ये आपका कप बन गया। अब आपने इसमें स्पून बनाना है, ये देखें आपने ओवल शेप में एक स्पून बनाया, लेकिन इस ओवल को आपने थोड़ा सा लंबा कर दिया, लाइक दो लाइंस आपने छोटी छोटी ड्रॉ करनी है और उन दोनों लाइंस को राउंड शेप, हाफ राउंड शेप में उनको ऊपर से ज्वाइन कर देना। सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम थर्ड स्टेप में देखते हैं उसको। थर्ड स्टेप में आप देखें जो नीचे वाला आपका ओवल था, ये वाला ओवल, उसके नीचे आपने क्रिसेंट शेप में एक छोटा सा कर्व शेप में एक लाइन ड्रॉ की, बिल्कुल ये जो ओवल है ना सेकंड स्टेप में आप देखें इसके नीचे यहाँ पर आपने थर्ड स्टेप में ड्रॉ की। अब हमने यहाँ से इस कप को पकड़ने के लिए आपने लाइन एक ओवल बनाना है, सबसे पहले यहाँ पर कप को होल्ड करने के लिए एक ओवल आपने ड्रॉ किया बड़ा, लेकिन इस साइड से उसको आपने रेज करके स्ट्रेट कर देना। सेंटर में आपने एक छोटा ओवल ड्रॉ करना है इस तरह से। आपका कप कंप्लीट हो गया है। थर्ड स्टेप में आपको राइट साइड पर यहाँ पर आपको स्पेस दी गई है जहाँ आपने ये कप ड्रॉ करना है और कलर करने हैं। आपने बिल्कुल ऐसा ही कप ड्रॉ करना है, उसके बाद आपने इसमें कलरिंग करनी है। कलर आपको पता है कि आपने प्रेस करके करने हैं ताकि डार्क डार्क कलर्स हों, लाइट कलर्स ना हो। अगर कलर बाहर निकल जाता है लाइन से तो आपने उसको इरेज कर लेना है, कोशिश करनी है कि कलर लाइन से बाहर ना आए। पेज नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। नाउ टर्न योर बुक पेज, दिस इज योर बुक पेज नंबर 13, ड्रॉ एंड कलर अ टीपॉट। यहाँ आपने टीपॉट ड्रॉ करनी है। दिस इज अ लिटिल टीपॉट, शॉर्ट एंड स्टार्ट। टीपॉट ड्रॉ करने के लिए यहाँ आपको 3 स्टेप्स दिए गए हैं जिन्हें फॉलो करते हुए हम यहाँ गिवन स्पेस में एक टीपॉट ड्रॉ करेंगे। टीपॉट ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट स्टेप में आप देखें, आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की आपने, फिर आपने एक ओवल ड्रॉ करना है इस शेप में, देखें यहाँ पर इस तरह से आपने एक ओवल ड्रॉ करना है। ऊपर वाली साइड से आपने ओवल को थोड़ा सा इरेज करना है यहाँ से, और आपने एक कर्व शेप में लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी जो इनर साइड में हो, यानी उसकी गहराई बिल्कुल नीचे की साइड से हो इस तरह से। फिर उन दोनों एंड पॉइंट्स, यहाँ पर एक एंड पॉइंट है और एक यहाँ पर है, आपने इन दोनों एंड पॉइंट्स को यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ करना है, इसको यहाँ पर ज्वाइन करना है कर्व शेप में इस लाइन को, और इसी तरह इस एंड पॉइंट से भी आपने जहाँ पॉइंट बनाया था सेंटर में यहाँ तक एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। ये भी आप देखिए आपकी राउंड शेप बन गई है। अब हमारे पास सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपने इस सेंटर लाइन में आप देखें ऊपर जहाँ पर आपका एक राउंड शेप का पार्ट बना था सबसे ऊपर, आपने वो सेंटर से इरेज किया और यहाँ आपने एक ओवल ड्रॉ किया छोटा सा, लास्ट में आपने उसकी बेस ड्रॉ की कर्व शेप में इस तरह से। अब हमारा थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में आपने उसकी होल्डिंग स्टिक बनानी है, यहाँ पर आपने
हाफ एस की शेप ड्रॉ की। ये देखें, पहले अंदर वाली साइड पर एक हाफ एस ड्रॉ किया आपने, उसके बाद आपने उसी हाफ एस के ऊपर एक और लाइन से हाफ एस बनाया। आप ये देखें, डबल हो गया, आपने इस एस को डबल किया, ये आपकी होल्डिंग स्टिक हो गई। इसी तरह अब आपने इसका स्पाउट ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपने सेंटर पॉइंट आपने देखना है, जो नीचे वाला ओवल था उसका सेंटर पॉइंट। आपने यहाँ पर सेंटर पॉइंट आपका आया, आपने एक वेव शेप में बाहर की साइड से यहाँ पर एक वेव ड्रॉ किए, ये देखें, और इसी तरह नीचे से उस वेव को राउंड शेप में आप यहाँ ऊपर तक ले गए, पॉट तक आपने इसको ड्रॉ किया। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा स्ट्रेट किया और यहाँ से उसको कर्व करके आपने वेव जहाँ से हमारी स्टार्ट हुई थी वहाँ तक ज्वाइन कर दिया। ये देखिए, अब आपने इसको थोड़ी सी स्पेस छोड़कर यहाँ से एक कर्व लाइन ड्रॉ की यहाँ पर, जिससे इस स्पाउट में छोटा सा हॉल बन गया है। ये देखें, यहाँ पर थर्ड स्टेप में टी पॉट कंप्लीट हो गई है। राइट साइड में आपको स्पेस दी गई है जहाँ पर आपने अपनी टी पॉट ड्रॉ करनी है, देन आपने उसमें कलर करने हैं। पेज नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14। टॉपिक है ट्रेस एंड कलर अ पिक्चर, ज्वाइन द डॉट्स एंड कंप्लीट द डिज़ाइन। यहाँ पर आपको एक पिक्चर की शेप दी गई है जिसे आपने इन डॉट्स को कंप्लीट करते हुए मुकम्मल करना है। डॉट्स को ज्वाइन करते हुए इन्हें मुकम्मल करें। आपको ये हाफ दी गई है, हाफ आपने ऊपर से देखकर खुद ड्रॉ करना है और उसके बाद आपने इसमें कलर्स करने हैं। ये काम आपने खुद से करना है। जैसे यहाँ आपको कलर दिखाए गए हैं, आपने वैसे ही प्यारे प्यारे कलर्स सिलेक्ट करने हैं और इस पिक्चर को कंप्लीट करना है। पेज नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हमने बुक पेज नंबर 10-14 कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।